I, as a husband of your daughter, do solemnly swear, do solemnly swear, that I will bear true faith, that I will bear true faith, and allegiance, and allegiance to Pakistan, and that as, federal minister, I will discharge my duties, and perform my functions. 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बरदारी की तकरीब काजा आसिफ, फ़ैवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान ने हल्फ उठा लिया। जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा भी काबीना का हिस्सा। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी, अहद चीमा और शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठाया। विफाकी काबीना सीनियर तरीन और तजर्बाकार वज़रा पर मुश्तमिल है। 5 वज़रा की तायुनाती 6 माह के लिए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया। पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधले के खिलाफ एहतजाज, लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने मॉल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। एमपी हाफिज फरत अब्बास समेत 38 अफराद नामजद। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में 1000 से ज्यादा नामालूम अफराद के नाम भी शामिल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा को रिहा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पुरम एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, जोरदार तहरीक चलेगी। धांधले के खिलाफ आईन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फासिस्ट हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फॉर्म्स तब्दील किए गए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम बन की हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाई थी, अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाएगी। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया, जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अगर आवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी का रमज़ान बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर से मुतल्लिक सवाल, पंजाब में किसकी हुकूमत है, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज का जवाब। नौ मुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर सदर आसिफ जरदारी बग्घी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ जरदारी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और ऐवान सदर के अमले से फर्दन फर्दन मुसाफहा भी किया। चीन, तुर्किया और ईरानी सुदूर की सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। सऊदी फरमानवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पिशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकाम पर मुनक्किद किए जाएंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, गवादर, चागी, दालबंदीन, चहतर और सरकीशा में तेज़ बारिश। बारिश का पानी घरों में दाखिल, रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब, ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात की 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अज़ला में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की पीडीएम समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में हल्की बारिश, महकमे मौसमियात की 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहरी सफर से पहले मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। पीडीएमए ने मुतलिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।
सहाफियों के खिलाफ जीआईटी में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए? जब ऐसे लोग जीआईटी में होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की? अगर एफआईए और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें, सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है, अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सहाफियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अटर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं, इनको हटा देना चाहिए, 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए, क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस, समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। रमजानुल मुबारक में गैस और बिजली की गैरएलानिया लोड शेडिंग ना करने का फैसला। सहरो इफ्तार और तरावी के दौरान बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। इफ्तार और सहरी के औकात में गैस की लोड शेडिंग भी नहीं की जाएगी। वजारत तवानाई ने गैस और बिजली कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस नईम अफगान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। गाजा में काबिज से होनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। रमजान से कबल इसराइली फौज ने गाजा सिटी में बमबारी मजीद तेज कर दी। वैसी रात में पनाहगुजी कैंप पर बमबारी, 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। दीरुलबलाह में भी हमला, 5 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमू तादाद 31,000 से बढ़ गई, 72,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी को इसराइल के लिए खतरनाक करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल अपने जंगी मंसूबों के बारे में अमेरिका को एतमाद में नहीं ले रहा, यह पॉलिसी इसराइल की फतह को शिकस्त में बदल देगी। इसराइली वजीर आजम ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनकीद को गलत करार दे दिया। नेतन्याहू ने जो बाइडन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीकी सदर बाइडन की तनकीद गलत और लखू है। इसराइल के शहरी हमास के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हमायत करते रहे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गवादर, चागी, दालबंदीन, चहतर और सरकीशा में तेज़ बारिश। बारिश का पानी घरों में दाखिल, रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब, ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात की 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अज़ला में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की PDMA समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में हल्की बारिश, महकमे मौसमियात की 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहरी सफर से पहले मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। PDMA ने मुतल्लिका अज़ला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।